बाजी, सुजाता बाजी, बाजी, सलमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुजाता बाजी से कुछ काम है। तो इंतजार करना चाहिए था सर्वेंट क्वार्टर में। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? और अगर कोई जरूरी काम था तो तुम्हें यहाँ पूछ कर आना चाहिए था। अंतरा दीदी, इसमें पूछने की क्या बात है? ये कोई पराये तो नहीं है? अपनापन अपने घर में दिखाओ तो ठीक लगता है। ये मेरा घर है, या वही होता है जो मैं चाहती हूँ और जो मैं कहती हूँ। दीदी ठीक है, ये आप ही का घर है, मगर ये लोग आपके मेहमान हैं और मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है। मेरे मेहमान नहीं है ये, मेरे लिए तो बिन बुलाए मेहमान है और ऐसों के साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। और तुम्हें अगर बुरा लगता है ना तो तुम भी घर छोड़कर जा सकती हो। बहुत हो गया एहसान। कौन किस पर एहसान कर रहा है? बेटी, ये घर किसका है? ये घर मेरे मरहूम दोस्त अमर सिंह का है। जब आखिरी बार वो मेरे गांव में आया था तब उसने बताया कि उसने एक वसीयत बनवाई थी। जिसके मुताबिक उसकी पूरी जायदाद पर दोनों भाइयों का बराबर का हक है। किसी एक का किसी से ये कहना कि निकल जाओ मेरे घर से, ये गलत है। गलत है एहसान नाम का लफ्ज। विनायक चाचा, क्या कह रहे हैं आप? वही सूरज बेटा जो अमर सिंह ने मुझे बताया था। क्या वो झूठा हो सकता है? क्या वो अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी कर सकता है? नहीं सूरज, हरगिज नहीं। बड़े बच्चों की नादानियों को हमेशा माफ कर देते हैं। अमर सिंह ने भी यही किया। अंतरा, तुमने तो आज तक मुझे यही बताया कि बाबूजी ने अपनी वसीयत से शंकर को बेदखल कर दिया और उनकी वसीयत में सिर्फ मैं ही उनका हकदार। तुम चुप क्यों हो? बोलो। अगर तुमने मुझसे झूठ कहा है तो आज उस झूठ का प्रायश्चित कर लो। नहीं बोलोगे तो एक बात याद रखना, बाबूजी की वसीयत की कॉपी मैं कोर्ट से तो निकलवा ही लूंगा। तब सच और झूठ का पता चल जाएगा।
बाबूजी ने जायदाद का हकदार दोनों को बनाया था। जिस ईमान के बारे में बात करो ना शंकर, वो दो कौड़ी में बिकता है। और तुम्हारे जैसे लोग जो जिंदगी भर अपने ईमान का बोझ अपने सर पे लिए घूमते हैं ना, इसे एहसान मत समझना। एहसान समझोगी तो चुका नहीं पाओगी, क्योंकि उस लायक नहीं हो तुम लोग। एक बार शंकर इन मजदूरों की नजरों में गिर जाए ना, तो उनका भरोसा टूट जाएगा। फिर मैं देखती हूँ कि मिल बेचने से मुझे कौन रोकता है और उसका कौन साथ देता है।